ये जो वेबिनार है, जैसे जो सुजी ने बताया कि ये मल्टी ब्रांड ट्यूबुलर सर्विस सेंटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज देने वाला एक ब्रांड है क्विक ऑटो सर्विस, ठीक है। और ये आप इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से ग्रैप कर सकते हो। आज का जो वेबिनार है बेसिकली कैसे ना, आप इंफॉर्मेटिव तो है लेकिन आपको इसमें नॉलेज भी आपको मिल जाएगा कि हमारा हम आज के वेबिनारशिप में क्विक ऑटो सर्विस के आपको मैं बिजनेस प्लान ये या मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे चलती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किस तरह से काम करना चाहिए, हम हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हम आपको किस लेवल पे सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स होता है सर्विस सेंटर को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये एक प्रॉपर आपको मैं आज गाइड करूंगा। और जो आपको वेबिनार भी पूरा ही प्रेजेंटेशन फिनिश होने तक आपको कुछ भी डाउट्स है क्वेश्चन है तो प्लीज नोट करके रख दीजिए, जैसे ही प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाएगा हम क्वेश्चन आंसर सेशंस ले लेंगे। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वेबिनार आप एंड तक बने रहेंगे, आप प्रेजेंटेशन एंड तक देखिए, क्योंकि तो इसमें आपको आज के वेबिनार में आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है या ऑटो बिजनेस इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट नॉलेज तो मिल ही जाएगा, पर हमारे साथ जुड़ने से जो आपको एक्सपर्टीज मिलने वाली है या बिजनेस स्टार्ट करने से आपका रिजल्ट जो जल्दी कैसे आ सकता है वो आप वो भी अपने इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। लेट मी इंट्रोड्यूस हमारा जो भी ग्रुप जो है, बेसिकली वी आर इनटू मल्टीपल बिजनेस, हम एक एक ही इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोबाइल्स में तो है ही, मल्टी ब्रांड टू-व्हीलर सर्विस सेंटर्स की हमारी फ्रेंचाइजीज हम दे रहे हैं, क्विक ऑटो सर्विस हमारा ब्रांड है, उसके अलावा हम कूलर मैन्युफैक्चरिंग भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारा काम चलता है, स्टारलाइन करके हमारा ब्रांड है, ठीक है, जो लास्ट 15 ईयर से इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, कूलर्स है, एलईडी टीवीज है, स्मॉल अप्लायंसेस है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, इसलिए वी आर द मैन्युफैक्चरर फॉर ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टफ। इसके अलावा हम ईवीज में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमें हमारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंजल ई रिक्शा, ये दोनों की हमारे ओन सेटअप से, असेंबली सेटअप से, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से, तो ओवरऑल हमें बस इसलिए हमने ये आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस में हम मल्टीपल बिजनेस में हम इन्वॉल्व है, तो जिसके वजह से आपको समझ में आ जाए कि हम सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने की वजह से आपको हम कितना हम गाइड कर सकते हैं आपके बिजनेस को आगे तक ग्रो करने के लिए, ठीक है। आज के दिन ये जो ऑफर आपको मैं मतलब हमारे 31 जनवरी तक ये ऑफर है, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हमने रखा था कि 26 जनवरी के अवसर पर हमने जो भी ब्रांड जो हमें फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 6 लाख प्लस जीएसटी हमारे वैसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको 26,000 डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप साइन अप करते हो 31 जनवरी के पहले, तो ये हमारी तरफ से बेसिक एक ऑफर है, ठीक है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नितिन गोरिले एंड द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द क्विक ऑटो सर्विस, बेसिकली क्वेस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है, पैरेंट कंपनी है, जिसमें हम मल्टीपल टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल अश्योरेंस, वारंटी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। देयर आफ्टर और एक फॉर्म है ई विश्वा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ई विश्वा कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, ठीक है। वन मोर इंडस्ट्री हम लोग है इनोवेटिव नियति प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम कोऑपरेटिव हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की अकाउंटिंग पूरा हैंडल करते हैं यहाँ पे मुंबई में। देयर आफ्टर लिवन इंडस्ट्रीज जो स्टार लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये है, तो बेसिकली ये सारी कंपनीज को मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द क्विक ऑटो सर्विस, तो बेसिकली जैसे मैंने तो हम लास्ट 20 ईयर से भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये हमारा कोर बिजनेस रह चुका है, मेरी जो कोर टीम है वो भी बेसिकली इसी इंडस्ट्री से काम कर रही है, तो इतना सब कुछ एक्सपीरियंस और सारी चीजें लेने के बाद हमने सोचा कि किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छे ऑप्शंस क्रिएट करें, जैसे मैंने ऑथराइज आउटलेट्स भी हैंडल किए हैं और खुद का मैंने मेरा सर्विस सेंटर भी स्टार्ट किया 2014 में, मल्टी ब्रांड टू सर्विस सेंटर्स, 1 से 5 सर्विस सेंटर्स मैंने एक्सपेंड किए, लेकिन मतलब लोकल गैरेजेस, मल्टी ब्रांड टू के लोकल गैरेजेस एंड ऑथराइज आउटलेट्स, ये दोनों को मैंने खुद रन किया हुआ है, तो इसमें मैं दोनों ऑप्शंस में हमने देखा है कि किस तरीके से आपको मतलब हमारे जो कस्टमर्स है उसमें उनको बेनिफिशियल हम करें, इस इंडस्ट्री में क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, सारी चीजें वर्क करके फिर हमने 2019 में क्यूएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म किया, क्यूएस ऑटो सर्विस ब्रांड को हमने लॉन्च किया, ठीक है।
बेसिकली जो स्टार्ट किया अभी हमारा, अभी भी हमारा जो एम है ये सिंपल है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी ऑप्शंस है अभी उसको वो उसमें एक ऑर्गेनाइज वे में एक पैरेलल ऑप्शन हम क्रिएट करें, जो ऑथराइज आउटलेट जैसी सारी फैसिलिटीज भी हमारे कस्टमर्स को दे, लेकिन जो लोकल गैरेज जैसे उसके लग्जरियस सर्विस दे, तो ये और रिजनेबल हो, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिकल लग्जरी सर्विस देने हमारा ये पैरेलल ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। वी आर आल्सो एम टू क्रिएट मैक्सिमम एंटरप्रेनर्स, आप जैसे अच्छे अच्छे एंटरप्रेनर्स जब बनेंगे तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर जब एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट होती है तो ना सिर्फ आपके पास काम करने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बल्कि आपको भी वहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन में यूज करने वाली जो चीजें होती है, चाहे वो आपका स्पेयर पार्ट्स हो, ऑयल हो, ग्रीस हो, कॉटन वेस्ट हो, जो भी है, ये सारी चीजें जब जब ये होती है तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री को ये एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम मैक्सिमम इस इंडस्ट्री को एंटरप्रेनर्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दें। ठीक है, इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लक्जरी सर्विस देना, दैट्स मेन मोटो, वही हमारी टैगलाइन है। एंड कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में हम कस्टमर्स को हमारी सर्विस और स्पेयर ऑफर करें। वी आर द कंपनी, ओनली कंपनी इन इंडिया जो मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के सेगमेंट्स पे काम कर रही है, जिसका आईएसओ सर्टिफाइड हम कंपनीज है। बेसिकली क्यूएस ऑटो प्रोडक्ट में जिसमें होता है कि हम तो मल्टीपल हम बिजनेस पे तो है, लेकिन हमारे क्यूएस ऑटो प्रोडक्ट में जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली क्विक ऑटो सर्विस एक हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें हम फ्रेंचाइज से स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं। क्विक ऑयल जो है जिसमें आपको हमारे इनहाउस आपको ऑयल मिल जाएगा, इंजन ऑयल, क्विक अश्योर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा प्रोडक्ट है या ब्रांड आप सब बोल सकते हो, जिसमें हम एग्जिस्टिंग जो आउटलेट्स है जैसे क्विक ऑटो सर्विस में हम न्यू फ्रेंचाइजीज को जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है उनके लिए तो हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बट वी आर इनटू दैट बिजनेस ऑल्सो जहाँ पे एग्जिस्टिंग टू व्हीलर सर्विस सेंटर जिनके है वो उनको हम मैनेजमेंट देते हैं, कंसल्टिंग देते हैं उनको किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है, वेदर इट इज वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के वर्कशॉप्स हो जिनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है, या एग्जिस्टिंग टू व्हीलर्स जो खुद के नाम से चालू कर रहे हैं, या ऑथराइज आउटलेट्स जिनमें से किसी को कोई भी हो, इनको हमारे तरफ से हम मैनेजमेंट देते हैं कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो करना है। इसलिए पॉसिबल बिकॉज उतना हम इस इंडस्ट्री में अपने हमारा एक्सपीरियंस है हमारा। सेकेंड क्विक अश्योर में हम आपको एएमसीज देंगे, वारंटीज देंगे और इंश्योरेंस जो हमारा है जैसे इंश्योरेंस रिन्यूअल या नए बिजनेस नए इंश्योरेंस वगैरह क्लेम्स वगैरह ये सब कुछ आपको क्विक अश्योर में मिलेगा। एंड क्विकेयर जो है उसमें आपको सारे डिटेरिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें कॉस्मेटिक चीजें जैसे बोलते हैं टेफ्लॉन कोटिंग, अंडर बॉडी कोटिंग या फिर साइलेंसर कोट, ये जो जो सारी चीजें आपको इस क्विकेयर में मिलेगी। तो मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमने एक इकोसिस्टम पूरा ये टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स का बना के रखा है कि जो भी चीज आपको लगती है इस इंडस्ट्री सर्विस सेंटर के सेगमेंट्स में वो सारी चीजें आपको हमारे तरफ से मिलने वाली है। एक्सटेंडेड वारंटी, एएमसी, ये सारी चीजें आउटसोर्सिंग होती है लेकिन अदर कंपनी में, लेकिन बट हमारे यहाँ पे हमारा खुद की इन हाउस है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लेस पॉइंट है। और हम ये इसलिए इन हाउस कर रहे हैं क्योंकि उस लेवल पे हमारा तजुर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे कोर टीम में इस इंडस्ट्री को 20-22 साल से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको एक मैनेजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी मतलब कि हाँ आपको सर्विस सेंटर को प्रॉपर समझ सकते हो, आपको ट्रेन करना हमारे काम है किस तरीके से उसको सर्विसेज को आगे बढ़ाना है वो। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री में ना तो वो है आपको सर्विस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये जो टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री है ये कस्टमर सेंटर की इंडस्ट्री है। आप समझ लीजिए मैंने आपको इसलिए आपको बोल रही है, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज देने वाला वेबिनार है आपका। आपको ये इंडस्ट्री में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जो अगर आप कस्टमर सर्विस में फोकस्ड हो तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके लिए कस्टमर को अगर सेकेंडरी है उसको आप नहीं समझ रहे हो तो ये बिजनेस आपका प्रॉपर नहीं चल सकता। तो आपको इसलिए भी बेसिकली रिक्वायरमेंट है, यस अगर आपने कस्टमर जो आ रहा है उनको हम सेटिस्फाइड करेंगे तभी वो कस्टमर रिटेन होता है और मल्टीपल बिजनेस या मल्टीपल लोगों को वो रिकमेंड करता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो आपको 6 लाख से लेकर 20 लाख तक के क्राइटेरिया है। स्पेस रिक्वायरमेंट बेसिकली 400 to 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शंस अभी है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में सर्विस सेंटर्स में क्या हो रहा है,
एक तो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स और दूसरा स्ट्रीट साइड लोकल गैरेज। अभी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में क्या होता है ना, जब सर्विस के लिए कस्टमर गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही वेटिंग टाइम ज्यादा होता है, एक सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है, और जेनुअन स्पेयर पार्ट्स के नाम पे हाई कॉस्ट लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बिजनेस को स्टार्ट जब ऑथराइज आउटलेट चालू कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट भी हाई है। वही अगर आप लोकल सर्विस सेंटर्स को देखते हैं तो सबसे पहले जैसे आप गाड़ी सर्विस के लिए कोई कस्टमर लेके जाते हैं तो उनकी वारंटी लैप्स हो जाती है, अनप्रोफेशनल अप्रोच होते हैं, रिपेयरिंग का कोई स्किल नहीं है, कौन से पार्ट्स यूज करें, कौन से ऑयल कलर यूज करें उसके कोई जरूरनेस नहीं है, अगर कोई कंसिस्टेंसीज नहीं होती है रेगुलर सर्विसेज में, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू एडेड जैसे एएमसी वारंटी जैसी चीजें आपको वहां पर मिलेगी नहीं। तो ये अभी एग्जिस्टिंग दो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को तो पैरेलल हमें क्रिएट करना है, और वही वही काम क्विक ऑटो सर्विस करेगा, जिसमें हम मल्टी ब्रांड टूरिस्ट सर्विस सेंटर्स की तो फ्रेंचाइज मतलब एक्सपेंशन तो करेंगे, चेन तो बनाएंगे, लेकिन वो जो मैन पावर होगा वो प्रॉपरली इंडस्ट्री टेस्टेड मैन पावर होगा, जिसको मतलब हम जो भी देखो मैन पावर जो आना है आपको रिक्रूट होने, वो ओवरऑल एग्जिस्टिंग आउटलेट जहाँ वहाँ ऑथराइज हो या आसके आसपास के लोकल गाड़ी जो वो उस टेक्नीशियन वही वही होता है, वही वही से हम उठेंगे, बट उनको प्रॉपर ट्रेन करना, प्रॉपर ग्रूमिंग से लेके कस्टमर हैंडलिंग से लेके टेक्निकल से लेके हर चीज उनको ट्रेन करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको स्किल लेवल को हम अपग्रेड करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग रखेंगे हम इसमें, सॉल्यूशंस में बताओ कि क्या है, अगर ये दोनों दो ऑप्शन भी नहीं जाना और हमारे पास अगर कस्टमर को आने तो क्या चीज है, जेनुइन वेरीफाइड सम इंडस्ट्री वेरीफाइड पार्ट हम देंगे, जेनुइन का मतलब अगर मैं वन मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेज है कि जेनुइन पार्ट्स अक्सर लोगों को लगता है कि जो ओएम का मतलब होंडा है, हीरो है, टीवीएस है, इनके पैकेजिंग में जो पार्ट्स होता है वो जेनुइन पार्ट्स होता है, यस वो जेनुइन पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग वो खुद नहीं करते, वो जो जैसे कि मान लीजिए कि बिंडा कंपनी है या लाइनर में एस के है या अलग अलग मोटर में अगर टीवीएस लुकास की होती है, ये जो पार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना ये ओईएम को सप्लाई करते हैं और वही हमें हमें भी सप्लाई करते हैं, तो मेन जो जनरल पार्ट्स जो सप्लाई करने वाला होता है वो ये कंपनी होती है, तो या ये पार्ट्स को आप वेरीफाई करना, ठीक है, फिर आपको जो भी सर्विस पैकेजेस सेल हो रहे हैं हमारे कस्टमर्स को उसके ऊपर प्रॉपर प्रोफेशनल आउटलुक होना जरूरी है, हैंड होल्डिंग होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है कि एएमसी भेज दिया है, वारंटी भेज दिया है, लेकिन अभी कस्टमर्स को कोई देख ही नहीं रहा है, तो वो एक प्रोफेशनल आउटलुक हम रखेंगे उसके ऊपर कंप्लीट, उसके ऊपर हम आवर सर्विस और आफ्टर केयर जो है वो टाइम टू टाइम फॉलोअप होना चाहिए, मतलब प्री प्री सर्विस मतलब फॉलोअप एंड पोस्ट सर्विस फॉलोअप, ये दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट से, और स्पेशल लॉन्च हमारे इससे सेटअप में रहेगा जो बैठ के कस्टमर्स प्रॉपरली उसके गाड़ी का काम जो चल रहा है वो देख सके। अभी ओवरऑल हम इंडस्ट्री को समझते हैं कि क्या है इंडस्ट्री में, मतलब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, तो इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे, वेरी सुन हम इस नंबर वन पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये वी विल बी द नंबर ऑन टॉप फर्स्ट रैंक पे रहेंगे जो इतनी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है सेल्स में, तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि दुनिया के नंबर वन लेवल पे जा रहे हैं टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन जो सेल्स के अगेंस्ट में जो सर्विस का जो रेशियो है ना वो बहुत ही पैथेटिक है, उतना अवेलेबल नहीं है, वो उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, लेकिन आफ्टर सेल सपोर्ट प्रॉपर नहीं है। अगर मैं इस परसेंटेज वाइज अगर बात करूँ तो जो भी हमारे ओएम डीलर्स है जैसे हीरो होंडा बजाज टीवीएस जो भी है उनके पास जो कस्टमर जा रहे हैं ना वो जो टोटल अवेलेबल व्हीकल्स जो है उससे 50-20% ही कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हैं, लेकिन 80-85% कस्टमर से वो वहां से लीक होके लोकल गैरेज या अदर जो ऑप्शन है ना वहां पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। अभी फिर भी क्या होता है उन आपको अतिरिक्त आउटलेट में आप हमेशा देखोगे कि भीड़ रहेगी, भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि वो उनके एक साइड से व्हीकल सेल्स भी हो रहा है, मान लीजिए अगर उस महीने में उन्होंने 100 व्हीकल सेल की है तो अगले महीने उनके पास 100 व्हीकल्स आनी है, तो उनके पास 100 व्हीकल्स जब ऐड होती है तो उसमें से अगर 50 कस्टमर अगर निकल भी जाते हैं तो उनको लीकेज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका वर्कशॉप की जो कैपेसिटीज जो है महीने में 500, 1000, 2000, 5000 गाड़ी सर्विस करने की वो उतनी लिमिटेड होने वाली है, तो दैट्स द रीजन ये रेशियो ऐसा है कि कस्टमर जब टूटता है लेकिन ऑथराइज में आपको हमेशा भीड़ देखेगी, लेकिन वो न्यू व्हीकल्स वो देखेगी, आप कभी भी अगर ऑथराइज आउटलेट देखोगे ना तो उनके पास आने वाली जो भी व्हीकल्स है उसका 70% ये सिर्फ फ्री सर्विस की गाड़ियां ही होती है, तो जो कस्टमर फ्री सर्विस खत्म होने के बाद जो टूट रहा है या बाहर जा रहा है वो 80-85% का रेशो है, एंड वो हमारा कस्टमर से वो हमारे टारगेटेड कस्टमर से, तो ये आप समझ लीजिए किसी भी इंडस्ट्री का 80-85% का पोटेंशियल जो खाली होता है, एक अनऑर्गेनाइज वे में काम चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज वे में अगर हम लेके आते हैं तो कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, आप समझ सकते हो।
ठीक है। क्यों क्यों क्वार्टर सर्विस आपको लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक एक्सटेंशन नॉलेज है इस प्रोडक्ट का, इस इंडस्ट्री का, जो आप जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसको आप किस तरीके से आपको उसको प्लस प्लस और आप करते जाए, ग्रोइंग ग्रोइंग स्टेज पे आपको कैसे लेके जाए। बहुत पोटेंशियल है इस मल्टीप्लान टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के सेगमेंट्स में, अभी आपको मैंने पोटेंशियल भी बताया, ठीक है। और जो कस्टमर जो है टू व्हीलर के कस्टमर्स, वो लिटरली दे आर सर्चिंग फॉर द अल्टरनेट ऑप्शंस कि भाई वो ऑथराइज आउटलेट्स है वहां पर उनको प्राइस का प्रॉब्लम है, टाइम पे गाड़ी नहीं मिल रही है, वही अगर लोकल गैरेज में जाते तो एकदम शैबी वर्क हो रहा है, तो दे आर सो विलिंग टू सर्चिंग फॉर द अनदर ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे लेवल पे काम होने वाला है। एक ट्रबल शूटिंग ब्रांड है, मैं ट्रबल शूटिंग ब्रांड इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज जो हम अगेन हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो एक्सपर्टीज है, ये आपको आने वाले किसी भी बिजनेस के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करके दे सकते हैं। वो गारंटेड है, वेदर इट इज आपको स्पेयर पार्ट रिलेटेड इशू हो, टेक्निकल इश्यूज हो, बिजनेस रिलेटेड इशू हो, यस वी आर देयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज वॉट, ये जो बिजनेस है इसमें आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 6 महीने में आता है और आरओआई जो है वो 1.5 साल में आता है, ठीक है। अभी सर्विसेज की बारे में बात करेंगे तो ईच एंड एवरी सर्विस होगी हमारे सर्विस सेंटर्स में, चाहे वो फ्री सर्विस हो, पेड सर्विस हो, या रिपेयरिंग रेगुलर रिपेयरिंग हो, हर एक सर्विस तरीके की सर्विस हमारे यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका बिजनेस को एडिशनल रिवेन्यू देने के लिए क्या है, जैसे हमने बताया कि हमारे स्पेयर पार्ट्स है, तो स्पेयर पार्ट्स में यूजुअली आप जो बाहर से आप लेते हो तो आपको 20 से 22% का मैक्सिमम मार्जिन मिलता है, वहीं पे हम आपको मिनिमम 30% से लेकर मैक्सिमम 60% का मार्जिन दे रहे हैं जब आप फ्यूल कटो के पार्ट्स आप यूज करते हो। वी हैव ऑल रनिंग पार्ट्स, ठीक है। फिर इंजन ऑयल जो है उसके ऊपर आपको मिनिमम 50% का मार्जिन दे रहे हैं। एएमसी पैकेज हमारी तरफ से होगा, एक्सटेंड वारंटी जब आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब एक्सटेंड वारंटी आपके लिए जब आप सेल करते हो तो 300 रुपीज तो आपको हम एक इसके ऊपर मार्जिन तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट सबसे पहला क्या है कि जो भी कस्टमर को आप एएमसी आप सेल करते हो उनको, जो भी सॉरी एक्सटेंड वारंटी आप सेल करते हो उसको 1 साल के लिए ये 48,000 के पार्ट्स उसके सिक्योर है, अश्योर्ड हो जाते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये उसको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। तो आप समझ लो 1,000 रुपए की जगह पे 48,000 के पार्ट्स, मोर देन 48,000 के पार्ट्स आप कस्टमर्स को मिल रहे हैं। अभी मान लीजिए कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्यों कैसे है, बेनिफिशियल क्या है एक्सटेंड वारंटी की, लेट्स अज्यूम कि किसी भी कस्टमर्स की गाड़ी अगर खराब होती है या उसके इंजन रिलेटेड कुछ काम होता है और उसके पास पॉलिसीज है, उसका टाइम टू टाइम सर्विस हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो जो भी उसका काम है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ये पार्ट्स उसको रिप्लेसमेंट फ्री में मिल जाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो भी उसके गाड़ी में आप काम करोगे, जो भी पार्ट रिप्लेस करोगे, उसका इनवॉइस आपको क्विक ऑटो को, क्विक अश्योर को ये करना है, बिल करना है, और जो कस्टमर है उनके लिए फ्री होगा, आपके लिए आपका बिजनेस है तो आपका वो सेल हो जाएगा। प्लस कस्टमर आपको जब बाहर जाके मल्टीपल लेवल पे आपको जो पॉजिटिव मार्केटिंग करेगा वो एक अलग बेनिफिट है। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसा पैकेज है ना जहाँ पे कस्टमर रिटेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अभी एडवांटेज क्या है हमारे क्विक ऑटो सर्विस फ्रेंचाइजीज के, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि लो कॉस्ट है और हाई रिटर्न बिजनेस है, बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग के साथ आप इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, तो एक्सक्लूसिव टेरिटरी मैनेजमेंट सपोर्ट मिल रहा है, जो भी हमारे टेरिटरी सर्विस मैनेजर्स है आपके यहाँ पे विजिट ऑडिट सारी चीजें करते हैं। कोर टीम जो है वो वाइड एक्सपीरियंस है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गुड एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट, बोला एप्लीकेशन से लेके आपका आगे का बिजनेस ग्रोथ करने तक का पूरा सपोर्ट सबको रहेगा, एंड ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रांसपेरेंट वर्क पॉलिसीज रहेगी, ठीक है। अभी आपको क्या मिलने वाला है कंपनी के सर्विस से सपोर्ट, तो मशीनरी एंड टूल्स मिलेगी, सेफ्टी इक्विपमेंट, सीसीटीवी कैमरा, ब्रांडिंग, इंडोर आउटडोर स्टेशनरीज, जो लेगो स्टेशन आपको लगती है, इनिशियल सारी जो किट्स आपको हम ये देंगे, यूनिफॉर्म एंड आई कार्ड्स, मैनपावर रिक्रूटमेंट के लिए सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मैनपावर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, विजिट एंड ऑडिट, कस्टमर केयर असिस्टेंस, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारी तरफ से जब आपको फ्रेंचाइजीज हमारे लेते हो, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि लोकेशन होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लोकेशन सबसे मेन पॉइंट होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 6 क्राइटेरिया है आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी एक अगर क्राइटेरिया मैच होता है तो वेदर ये बिजी रोड हो या डेंस पॉपुलेशन हो या रेजिडेंशियल क्राउड होना चाहिए या मार्केट नियर बाय हो, लोकल रेपुटेशन से नजदीक होना चाहिए, या अगर एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है या पेट्रोल पंप नजदीक भी है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से मतलब बिजनेस को ले लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर ये 6 में से कोई भी एक
क्राइटेरिया मैच करते हैं। और जैसे आपका क्राइटेरिया मैच करते हो, आप लोग साइन करते हो, आप जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो, वैसे हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके यहाँ पे आके लोकेशन को देख के फ्रीज करते हैं, एंड लोकेशन फ्रीज होने के बाद ही आगे आपका एलओआई इशू होता है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट, तो 6 लाख+ GST से शुरुआत होता है हमारे सेमी यूनिट, मतलब सॉरी यूनिट फ्रेंचाइजीज जो है वो। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट 400 स्क्वायर फीट के आसपास है मिनिमम स्क्वायर एरिया, 15 से 18 महीने में आपका पे बैक पीरियड से ब्रेक इवन, मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और 5 से 6 महीने में आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये आपको मिनिमम में आपको बता रहा हूँ कि इतना तक आपको टाइम जाएगा ये करने के लिए। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो 6 लाख+ GST, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको हम 3 रैम का सेटअप देंगे। जो 3 रैम का सेटअप होता है उसमें मतलब 2 बाइक लिफ्ट आपके वर्किंग इमेज होगी, और एक जो बाइक लिफ्ट होगा, जो एक रैम होगा, वो आपके वॉशिंग में होगा, क्योंकि वॉशिंग में रैम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्हीकल्स की प्रॉपर वॉशिंग होना, इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन लेवल ये जो होता है वो हाई होता है। आप किसी भी सर्विस सेंटर्स का ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो भी कस्टमर डिसेटिस्फाइड या जो परसेंटेज होता है वो सबसे हाई वॉशिंग की कंप्लेंट्स के होता है। तो इस वॉशिंग कंप्लेंट्स को रिजोल्व करने के लिए हमने ये एक सिस्टम लगाया कि आपको वॉशिंग में एक एडिशनल रैम दिया जाएगा। एलईडी बोर्ड आपको मिलेगा 10x3 फुट का, वर्कशॉप ब्रांडिंग होगी 250 स्क्वायर फीट की, सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, मार्केटिंग, 2 वाईफाई सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन मिलेंगे आपको, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, आई कार्ड, वारंटी एंड एमसी के बुकलेट्स इनिशियली, और हमारे जो फ्रेंचाइजी फीस है सिर्फ मात्र 90,000 रुपीज का है। इस तरीके से पूरा ये 6 लाख रुपया+ GST का आपका ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, आपको इस इन्वेस्टमेंट में आपको आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी जो बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट तो कर दे, बिजनेस चालू करोगे तो उसका भी रेवेन्यू कैसे आएगा, बिजनेस कैसे होता है? तो बेसिकली ये जो बिजनेस है ये आपको आपके वर्कशॉप में 5 to 6 व्हीकल एवरेज डेली के आना चालू हो गई, मतलब 125 से 150 गाड़ी 25 वर्किंग डेज के हिसाब से, तो आप समझ रहे कि आपका वर्कशॉप जो है वो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट में चला जाएगा। तो किसी किसी लोकेशन पे हो सकता है कि 2 महीने में ही 5 गाड़ी आने चालू हो जाएगा, किसी लोकेशन में 4 महीने भी लगता है, 5 महीने लगता है, बट इसलिए हमने आपको एक 5 to 6 मंथ का हम ब्रेक इवन पॉइंट बता दें कि 6 मंथ तक आपके पास ये आना ही है। ऐसे इंडिया की कोई भी लोकेशन नहीं है जहाँ पे 6 महीने में 5 गाड़ी आपके पास वर्कशॉप के लिए नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक लोकेशन भी उतना तो व्हीकल पॉपुलेशन है कि आपके पास आप मिनिमम 5 व्हीकल्स तो आप लेके आ ही सकते हो ऑन एन एवरेज। अगर आप मान लीजिए कि 5 व्हीकल्स अगर आप लेके आते हो तो 125 गाड़ी आपके पास होती है। इस कैलकुलेशन को आप समझ लीजिए, मैंने आपको जैसे बताया कि ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए नॉलेजेबल है, इसको समझ लीजिए कैलकुलेशन क्या होता है। तो कोई भी जो हमारे जो आउटलेट है उसमें हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि हम 1,000 रुपीज पर व्हीकल्स का हम सेल्स वॉल्यूम रखेंगे, एवरेज टिकट साइज रखेंगे फॉर मॉनिटर करने, क्योंकि किसी भी चीज को मॉनिटर करने के लिए बेंचमार्क सेट होना जरूरी होता है। अभी ये जो टिकट साइज जो है वो ऑथराइज आउटलेट्स होते हैं उनका 1,700 से 1,800 के आसपास होते हैं पर व्हीकल्स, एंड वही अगर लोकल गैरेज देखते हैं तो 650 से 700 के आसपास होता है। हम लोकल गैरेज से थोड़ा थोड़ा ज्यादा रखेंगे, ऑथराइज से कम रखेंगे। तो 1,000 रुपीज हमने ये स्टडी किया हुआ है वर्किंग है कि वो विन विन होता है। अभी समझो 125 गाड़ी आपके पास आती है तो 1,25,000 रुपये आपके पास कलेक्शन होता है। वो 1,25,000 रुपये कलेक्शन के क्या क्या सोर्स है, स्पेयर पार्ट से आएगा, ऑयल से आएगा, लेबर से आएगा, अलग अलग वारंटी वैल्यूएटेड चीजें ये सब बेच के आपको वो कलेक्शन हो जाता है। अभी इसमें 1,25,000 रुपये की कलेक्शन अगर आप करते हैं तो बेसिकली ये बिजनेस पे 65 to 70% का आपको ग्रॉस मार्जिन मिलता है। वो ग्रॉस मार्जिन कैसे मिलना चाहिए, क्या है वो, एक उसका काम हमारा होता है, हम मॉनिटरिंग करते हैं कि इसको इस लेवल पे हम किस तरीके से लेके जाएंगे, वो दैट्स आवर वर्क। ठीक है, तो 1,25,000 रुपये जब होता है तो ग्रॉस मार्जिन 1,25,000 के ऊपर 60% पकड़ दे तो 72,000 के आसपास आपका ग्रॉस मार्जिन आता है। फिर उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस सारे निकल जाते हैं और आपका वर्कशॉप जो ब्रेक इवन पे आता है। तो आप दिमाग में ये खाली इतना रखें, अगर आपके पास 5 गाड़ी आ रही है इसका मतलब आपका वर्कशॉप ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा। देखो कोई कोई व्हीकल्स में नहीं बोलो कि हर गाड़ी को 1,000 रुपये खर्चा करके जाएगा, बट कोई गाड़ी 0 बिलिंग भी होता है, 100 रुपया 200 रुपया बिलिंग करते हैं, लेकिन कोई कोई गाड़ी 7,000 8,000 10,000 बिल भी करती है। तो एक एवरेज बेंचमार्क लिया जाता है कि वो 1,000 रुपीज का जो ऑथराइज का 1,700 1,800 और लोकल का 650 700 है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन की इसके लिए आपका बिजनेस आप रन कर सकते हो। अभी इसमें आपको हम 5,000 रुपीज जो है एवरी मंथ हम मैनेजमेंट फीस लगाते हैं, ये डे 1 से आपके स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अभी वो मैनेजमेंट में क्या हम आपको दे रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये इस स्लाइड को आप समझ लीजिए क्या है, किस कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस सेटअप तो हमने आपको हमने करके दे दिया, अभी उसमें अब आपको एवरी मंथ 5,000 रुपीज हम चार्ज करेंगे फॉर द मैनेजमेंट फीस। और मैनेजमेंट फीस में हम आपको हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, तो सबसे पहले कि आपके पास जो भी गाड़ियां आ रही है वो सब गाड़ियों का पोस्ट सर्विस फॉलोअप और उसके एनालाइजिंग
इसकी रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स ये आपको हम करते करके देते हैं, और हम आपको इसको एवरी सैटरडे शेयर करेंगे। अगर आप किसी ये एक काम कॉलिंग के लिए कोई एक लड़की भी रखते हो तो वो 10-12 हज़ार के आस नीचे तो कोई मिलता नहीं है, वो आपका पैसा सेव हो रहा है, यहाँ पे आपको ये चीज हो रही है। इसके अलावा आपको आपके वर्कशॉप में कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, हैंडलिंग कुछ इश्यूज है, तो कोई भी काम आपको स्टॉप हुआ है आपके मैकेनिक का, तो हमारे डेडिकेटेड टेक्निकल टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी। फिर जो हमारे जो TSM से टेरिटरी सर्विस मैनेजर्स, वो आपके यहाँ पे विजिट करेंगे, ऑडिट करेंगे, जो भी है ये आपको इस कॉस्टिंग में इंक्लूड से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि रिवेन्यू मैनेजमेंट, कि जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैसा है कि 125 गाड़ी 1000 रुपीज पर व्हीकल्स का हमें आना चाहिए वो कलेक्शन। अभी वो 1000 रुपीज कलेक्शन आने के आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि देखो ये रिवेन्यू मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, और वो वही हमारी एक्सपर्टीज, वो जो आपको हम काम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि ये जो 1000 रुपीज जो पर व्हीकल्स है ना, उसको हम किस तरीके से मॉनिटर करते हैं। मान लीजिए कि क्यों जरूरी है, मान लीजिए कि अभी समझो आपके यहाँ पे 100 व्हीकल्स आ रही है और 1 लाख रुपए कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आपका अगर कलेक्शन 1 लाख रुपए ना होके वो 60 हज़ार 70 हज़ार के आसपास हो रहा है, इसका मतलब आपके वर्कशॉप में शायद वो टेक्नीशियन कुछ लीकेज पॉइंट है, या टेक्नीशियन की ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब कार्ड आपको ओपन कर रहा है, जो कस्टमर को अटेंड कर रहा है, उसको रिव्यू कैसे जनरेट करना, उसको उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो एक एनालिसिस पार्ट आ जाता है कि किस तरीके से उसको अपग्रेड कर सकते हैं। देखो अगर रिवेन्यू कम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अपग्रेड करके उसको लेवल पे लेके आ सकते हैं, लेकिन आपका रिवेन्यू ओवर भी होना ये सबसे बड़ा मतलब टेंशन वाली बात होती है। अगर 100 व्हीकल्स में आपके पास आपने कलेक्शन 1.5 लाख 1 लाख 40 हज़ार रुपये कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा अलार्म सिचुएशन है, क्योंकि आप कस्टमर को ओवर चार्ज कर रहे हो, और ओवर चार्ज अगर कस्टमर को आप कर रहे हो तो वो शांति से कस्टमर निकल के चला जाएगा और कुछ नहीं आपके पास रिटर्न आएगा नहीं। आपका आपके पास अगर पहले महीने में 10 गाड़ी आती रहेगी तो वो स्लोली स्लोली वो 8 7 6 पे आप और डिक्रीजिंग मोड पे जाओगे। तो रिवेन्यू कम होना उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप ओवर चार्ज करोगे तो बहुत ही बहुत डिफिकल्ट होता है कस्टमर्स को फिर से रिटेन करना। ठीक है, तो ये एक इसको किस तरीके से मॉनिटर करना, तो ये हमारा काम है कि इसको इस बेंचमार्क पे कैसे ले गए। अगर 100 व्हीकल्स आ रहे हैं तो 90 हज़ार 1 लाख या 1 लाख 10 हज़ार ये 10% प्लस माइनस हम समझ सकते हैं, तो उसको वो सिचुएशन में रिवेन्यू है। अभी उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जब 1.25 लाख रुपए कलेक्शन होता है, 1000 रुपए जब कलेक्शन होते हैं, तो उसमें आपको 65% का मार्जिन होता है। अभी 65% मार्जिन को लाने के लिए भी एक स्किल रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट्स, लेबर, लुब्रिकेंट, ये सब सारी चीजें हैं या अदर चीजें हैं, इसका एक से एक स्पेसिफिक शेयरिंग है। जैसे 300 रुपये पर व्हीकल्स का पार्ट सेल होना चाहिए, 125 रुपये व्हीकल की ऑयल जाना चाहिए। इसको जब आप मेंटेन करते हो ना, तो आपका ये मार्जिन 60% 70% आता है। या तो अगर आप सेम आप समझ लीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपए का कलेक्शन कर रहे हो जिसमें से 80 हज़ार का आपने पार्ट ही सेल कर दिया है, तो आपका मार्जिन कहाँ 60% 70% जाएगा। तो इस चीज को हम प्रॉपर मॉनिटर करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किसका आपके एग्जैक्टली वीक पॉइंट कहाँ पे है। हो सकता है कि आपका 100 गाड़ी आ रही है उसमें 10 10 15 गाड़ी में ही खाली लुब्रिकेंट ये मतलब ऑयल चेंज हो रहा है, पीरियडिक पार्ट्स नहीं जा रहे हैं, एयर फिल्टर्स हो गए, ब्रेक शूज हो गए, लाइनर या क्लच शूज हो गए, क्लच प्लेट्स हो गए, जो भी जो रेगुलर काम होते हैं वो नहीं, आपका एडवाइजर है या आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो, ये पूरा फिर ट्रेनिंग पार्ट्स आता है। ये प्रॉपर इसको प्रपोर्शन में रखोगे तो आपका 60% 70% मार्जिन आना है, और उस मार्जिन को लेके कैसे आना है ये बेसिकली हमारा गाइडेंस और हमारी एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपको इस 5000 रुपये मैनेजमेंट फीस में आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपको हर महीने में फ्यूल व्हीकल्स और पेट्रोल व्हीकल्स दोनों की ट्रेनिंग चलती रहेगी। ट्रेनिंग ये कंटिन्यूस पार्ट है, क्योंकि नॉलेज कभी भी एक साथ आपको नहीं मिल आप ले सकते, वो स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसे चाहिए उस तरीके से हम आपको डेवलप करते जाएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके हम जो 5000 रुपीज ले रहे हैं, लेकिन वो 5000 रुपीज का आपको देखो रिवॉर्ड्स भी हम दे रहे हैं, ये हम मैनेजमेंट फीस तो रहे। अभी आपका जैसे मैंने आपको बताया कि हम PSF कर रहे हैं आपका, मतलब आपके कस्टमर्स के यहाँ पे अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेशियो जो हमारे जो हम PSF करेंगे उसमें 90% से ज्यादा अगर जाता है, तो आपको हम 20 बॉटल हमारे जो ऑयल जो है उसके हमको हम महीने के फ्री देंगे। तो ये जो 5000 रुपीज आपका यहाँ पे रिकवर हो जाता है। वी आर द ओनली ब्रांड इन इंडिया जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपको हम इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप मेरे से 2 लाख रुपए का पार्ट खरीदी करें तो मैं आपको ये चीज फ्री दूंगा वो चीज फ्री दूंगा, नहीं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो
तो ही आपका आपके पास कस्टमर रिटेंशन होगा, और वही जाके आपको वो मल्टीपल बिजनेस लाके देगा, मल्टीपल लोगों को वो रेफरेंस देके आपके यहाँ पे वो गाड़ी लेके आएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट, जो फायदा मुझे हमें दे रहे हैं वो फायदा आपको हम इस वे से आपको रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी समझो ये तो हो गया स्मॉल फ्रेंचाइजी, यूनिट फ्रेंचाइजी जो है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे लार्ज लेवल पे काम करना, बड़े लेवल पे काम करना, उनके लिए हमारे पास क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी का ऑप्शन भी है, जिसका इन्वेस्टमेंट 20 लाख प्लस जीएसटी के, एरिया 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है, 15 से 18 महीने का, मतलब वही ब्रेकन पॉइंट और आरओआई सेम ही आता है इनका, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, आपको जैसे वहां पे हम 3 बाइकलोड के सेटअप दे रहे हैं, 2 बाइकलोड वर्किंग में और 1 वॉशिंग में, वैसे इसमें हम 5 बाइकलोड के सेटअप देंगे, जिसमें 4 वर्किंग बेज होंगे और 1 वॉशिंग बे होगा, ठीक है। एलईडी बोर्ड 20 बाय 4 फुट का होगा, वर्कशॉप ब्रांडिंग 600 स्क्वायर फुट की दी जाएगी आपको, सॉफ्टवेयर इसमें बड़ा होता है क्योंकि पूरा 15 डिस्ट्रिक्ट का काम होता है, जो क्लस्टर फ्रेंचाइजी होती है उनको हम 15 डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन करते हैं, तो 15 डिस्ट्रिक्ट में जो भी फ्रेंचाइजी वगैरह बनता है उसका एक शेयरिंग हम आपको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो आगे में रिवेन्यू को पता होगा किस तरीके से है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, 4 CCTV कैमरा कनेक्शन, मार्केटिंग के ऊपर 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। इनिशियल जो फ्रेंचाइजी किट होता है इसमें एफ के बोलते हो, वो एफ के आपको हम स्पेयर पार्ट और ऑयल का हम 2.5 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देंगे जो आपके सर्विस सेंटर्स में, ये मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए है, बेनिफिट है बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसलिए क्योंकि आपके वर्कशॉप का रेगुलर जो भी डे टू डे काम होता है उसको आपको यूज हो जाएगा। एक 3 व्हीलर आपको दी जाएगी मार्केटिंग के लिए, जो आपके साथ साथ आपकी मार्केटिंग के साथ साथ आपके अंडर जो 15 डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो भी आउटलेट्स होए उनको मार्केटिंग के लिए सपोर्ट के लिए काम आए, सपोर्ट कर सकते हो आप, और उसको आपको मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए यूज होता है वो, ठीक है। फिर हमारे जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है ब्रांड फी वो 5 लाख रुपीज, इस तरीके से 20 लाख प्लस जीएसटी आपको इसका मास्टर फ्रेंचाइजी कॉस्ट आएगा। अभी इसमें ये जैसे आपको बताया कि ये आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हमको दे रहे हैं। अभी अब हमारे जो जो मास्टर फ्रेंचाइजी होती है वो एक तरीके के हमारे पार्टनर्स है, तो हम हमारे पार्टनर्स को हमारे प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिसमें हम जो भी स्पेयर पार्ट्स हो गए उस स्पेयर पार्ट के ऊपर 15% मार्जिन देंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके पार्ट सेल होगा, जो भी फ्रेंचाइजी को आप बिजनेस करोगे, जो भी पार्ट सप्लाई होगा वो आपको 15% का मार्जिन मिलेगा। ऑयल सप्लाई के ऊपर आपको 30% मार्जिन मिलेगा। जो फ्रेंचाइजी आपके पास नई फ्रेंचाइजी बनती है हर आपके टेरिटरीज में, उसका उसके ब्रांड फी का 50% आपको दिया जाएगा। जो मैनेजमेंट फीस है उसका 25% आपको दिया जाएगा, और एएमसी वारंटी के ऊपर भी आपको बेनिफिट दी जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं इसको फिर से वो जो रिवेन्यू स्ट्रक्चर में देख दूँ, तो ये लगभग आपके यहाँ पे जब 4 बाइकलोड सेटअप है 1000 स्क्वायर फीट का है, तो बड़ा बड़े से व्हीकल भर पड़ेगा, व्हीकल्स भी इंक्रीज होता है। एक 10 से 12 गाड़ी जब आपके पास आना चालू हो जाती है तो आपका वर्कशॉप जो है ओन आउटलेट जो प्लस में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम पूरा रिवेन्यू अगर देखें तो आप 20 लाख प्लस जीएसटी इन्वेस्ट करके आप 1 साल में और लगभग 35 लाख तक आप इसको अर्न कर सकते हो, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट तो आपको रिटर्न आ ही रहे, प्लस 15 लाख रुपए आप एडिशनल कमा रहे हो। तो इसमें आपको आपके ओन आउटलेट से इनकम, आपको जो भी न्यू फ्रेंचाइजीज के ऊपर के फीस के ऊपर आपको जो शेयरिंग है, जो भी मतलब हम बेसिकली हम वी विल शेयर अवर प्रॉफिट टू यू, ठीक है। मिनिमम 10 फ्रेंचाइजी हम 1 साल में इसमें हम बनाएंगे और आपको आपको ये रेवेन्यू तक तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ा हमारी तरफ से सपोर्ट क्या है कि जो हमारे जो टीएसएम जो होते हैं टेरिटरी सर्विस मैनेजर, ये आपके यहाँ पे ही बैठेंगे, मास्टर फ्रेंचाइजीज में बैठेंगे, ताकि वो जो हमारे जो जो 15 डिस्ट्रिक्ट जो आपके टेरिटरी से उनको प्रॉपर तरीके से सर्विस दे, प्रॉपर तरीके से उनको वो ऑडिट करे, प्रॉपर मैनेजमेंट दे, फिर नए जो फ्रेंचाइजीज बनते हैं उनको जाके अटेंड करे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, ये पूरा काम जो होता है उस टीएसएम का होता है, वो टीएसएम आपकी प्रीमाइसिस में आपके लिए डेडिकेटेड हम अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर वो यूनिट फ्रेंचाइजी हो या मास्टर हो, मार्केटिंग तो हमारी चलती रहती है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, वॉशिंग कूपन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग, नो पार्किंग बोर्ड्स, एरिया बैनर पोल, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग है। आपके एरिया में जो रिक्वायरमेंट है, जो सुटेबल है, वो हम म्यूचुअली डिसाइड करके मार्केटिंग हम करेंगे, जो मार्केटिंग बजट आपको हमने बताया उतना स्पेंड हम करेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जिस्टिंग आउटलेट्स, इस तरीके से हमारे आउटलेट देखते हैं, आप देख सकते हो इनसाइड कैसा है, बहुत ही सिंपल हमने रखा हुआ है कलर कॉम्बिनेशन, कोई डार्क कलर वगैरह हमने यूज नहीं किया है इसके ऊपर, कोई कस्टमर जब आता है तो उसको एक फ्रेंडली और हैप्पीली एटमोसफियर दिखना चाहिए, तो ये इस तरीके से हमने कलर कॉम्बिनेशन सिंपल कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, कोई मतलब लाल काला पीला ऑरेंज ये डार्क कलर के ऊपर हमने दिया, क्योंकि ये काफी इम्पैक्ट करता है, जब कस्टमर जब आता है तो उसको वो एग्रेशन में नहीं, थोड़े से उसको भी एक मेंटल स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये कैलकुलेशंस होते हैं हर एक के अपने अपने बिजनेस के, ये बिजनेस की है कि आप जितना सिंपल वर्कशॉप रखे उतना कस्टमर आपके लिए वो आपके साथ कंफर्टेबली जुड़ेगा,
और क्योंकि उसको लगेगा यहाँ पे ये सिंपल सा आउटलेट है तो मेरे लिए इकोनॉमिकल है, ज्यादा हाई फाई बनाओगे तो उसको लगेगा ये तो खर्चा मेरे से निकालने वाला है। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें हैं, आपको सिंपलिसिटी पे जाना है। ये मेन हमारा मोटिव है कि हमें मैक्सिमम कस्टमर्स को किस तरीके से हमारे वसूली सेंटर पर लेके आए और सारे कस्टमर्स को कितने कैसे हम सेटिस्फाइड रखें। आई कैन अंडरस्टैंड कि 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन कभी होता नहीं है, आप 10 में से 10 कस्टमर को कभी खुश नहीं रख सकते, एक दो तो ऐसा होता ही है जो आपसे आपसे खुश नहीं होगा, चाहे आप उसको आप जान भी निकल के दो, लेकिन हमारा काम है हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन रेशियो आप रखोगे उतना ज्यादा कस्टमर आपके पास फुटफॉल आना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि क्विक अश्योर जो हमारा ब्रांड है, ठीक है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग जिनके आउटलेट्स है उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करने के लिए। ये डिपेंड्स होता है कि वो किस तरीके से सर्विस सेंटर की रिक्वायरमेंट है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है, किसी की मैनपावर प्रॉपर नहीं होती, किसी को बिजनेस करने समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। और उसमें हम 90,000 का हमारे जो ब्रांड फीस है वही लेते हैं हम, लेकिन इसमें हम 3 महीने का हमने स्लैब दिया कि भाई आप 30,000 आप पे कर सकते हो एंड 10,000 इसमें हमारे मैनेजमेंट फीस होगी, जिसमें आपको हम पूरा गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से बिजनेस को करना है, पूरा सपोर्ट देंगे आपको। आपका अगर कोई वर्कशॉप, कोई भी वर्कशॉप जो आप चला रहे हो वो माइनस में है, प्रॉपर चल नहीं रहा है, या आपका जो प्रॉफिट है वो स्ट्रक है, कई कई जगह ऐसे भी होता है कि 10 गाड़ी आ रही है और वो प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन वो उतना ही प्रॉफिट को स्टक हुआ है, 10 का 15 नहीं कर पा रहे, 15 से 20 नहीं कर पा रहे, आपकी व्हीकल आपकी जो लोकेशन जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन ही है, आप भले प्रॉफिट में हो लेकिन जगह जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन में है, तो अंडर यूटिलाइजेशन को फुल यूटिलाइजेशन में कैसे लेके आए वो हमारा गाइडेंस होगा, हमारा काम है वो। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है इसके अंदर कि आपको एप्लीकेशन के साथ टोकन अमाउंट डालना है जो कि आप सेलेक्ट करके उसका 10% आपको टोकन अमाउंट होता है, फिर आपको लोकेशन विजिट के लिए हमारी टीम आएगी, एलओ इशू होगा, लेआउट डिजाइनिंग होगी और एग्रीमेंट, और बाकी का 90% पेमेंट आपको एग्रीमेंट के टाइम पे करना है। जैसे आपका फाइनल पेमेंट हो जाता है वैसे 15 से 18 दिन हमें लगता है पूरा सेटअप को रेडी करने के लिए, वही टाइम पे आपको आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जैसे पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वगैरह, पार्टीशन, फर्नीचर जो वो आपको वो 15 दिन में आप उसको करते हो, एंड फिर उसके बाद आपका जो भी बिजनेस ट्रेनिंग या मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी है वो पैरेलल सब है, ये 15-18 दिन में आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाता है आफ्टर अवर फुल पेमेंट, और फिर हम इसको इनोग्रेशन लाइनअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक 26,000 तक की जो ऑफर है उसके अलावा और एक ऑफर है, अगर वो अगर आपको आपको चाहिए 26,000 का डिस्काउंट 31st तक, दो ऑफर हमने रखे हुए हैं, एक तो 26,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा या तो फिर 43 इंच की एलईडी टीवी, दोनों में से एक आपको जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट दिस ऑफर इज एप्लीकेबल ओनली टिल 31st जनवरी। थैंक यू वेरी मच। नाउ अशोक जी, ओवर टू यू।